con domani sono stati con te, eravamo con te, proprio una mancata di un altro. जनों समझने से पापा हो ब्राह्मण को धन देता है, पुण्य आत्मा को उसके का चरण होता है, तो जो है पिता जो है ब्राह्मणों को धन दे करके गौरव की धन विद्या धन विनय संपन्न हो करके पिता के रूप में बढ़ता है, दोषों को सत्संग देता है, विद्याओं को बढ़ाता है, पुरंदर के सदा सतीर्थ जय श्री कृष्ण।
กันนะแทนพยานนะพอดีสถานุพอดีพร้อมมีอาการแค่สบายด้วยนะใจਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਹਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਹੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹ ਪੀੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੋਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਬਾਈ
ਆ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਲਉਂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ उत्तम कर्म बताता हूँ इसको तत्व डाक्टर कहते हैं।
ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ करते थे।
इतना धीरज रखना पड़ रहा है, इतना संतोष करना पड़ रहा है कि वो संतोष भी नहीं हो रहा है। राम नाम की मूर्त है मूर्त सकेश मूर्त अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ये हमारे सभी श्वासों का राम नाम का एक जाप है। जब तक राम नाम का जाप चलता है तब तक सांस है, जब राम नाम का जाप बंद हुआ तो सांस भी बंद हो जाती है। आज हमारे बीच में सभी मदन गोपाल जी शर्मा जी अपने समस्त परिवार के साथ अलग हो गए, और जो अपने आप दोस्त होते थे उनसे सदा मिलते रहते थे, आज सभी अपने भाई बंधु आप दोस्त का मित्रता साथ छूट गया है। जहां दो साथ चलते थे आज कोई साथ नहीं चल रहा है, आज क्या किसी से कोई पूछ रहा है। जब तक श्वास चलता था तब तक सबके हाल पूछते थे हमारा बेटा कहां, बहुओं कहां है, पोती पोता कहां पर है। आज पिता का नाम बच्चे नहीं ले सकते, अपने पिता को पिता कहकर पुकार नहीं सकते। ये नाम भी छूट गया, सारे काम धाम सब छूट गया। जिस घर को ऊपर से एक एक करके घोड़ा था कि आज हमें कल सुख मिलेगा, जहां सुख मिलना था आज, क्योंकि यह जो जगह है ये जो ये अमृत लोक है, इस लोक में आवागमन का चक्कर है, आओ और चले जाओ। अपने कर्ज अदा करो और फिर आप चले जाओ। यहाँ सभी लेने देने का संबंध है, कोई बाप रूप में आ रहा है, कोई पिता के रूप में आ रहा है, कोई पत्नी के रूप में आ रहा है, कोई बेटे के रूप में आ रहा है। ऐसा था जो दस करे जो दस फल जाता, यहाँ सभी कर्मों का फल है। कोई बिना भोग के यहाँ से किसी की गति नहीं हो सकती। जैसा जो जैसा बीज होता है वैसे फल काटता है। आज हमारे शरीर के बीच में ऐसा इन्होंने फल बनाया, ऐसा बगीचा तैयार कर दिया कि उसमें सभी आकर के अपने परिवार के साथ बैठे हैं। ये जो परिवार है, ये बगीचा है, पेड़ है, पौधे हैं, यही है, उसकी छाया में सभी है। जैसे कोई पेड़ लगा देता है तो वो कभी बैठता नहीं है उस पेड़ के नीचे, वैसे ही परिवार को जागृत कर दिया और कमाने खाने के योग बना दिया और उस छाया में बैठ गए। यहाँ सभी का आना जाना तो निश्चित है, कोई रुक नहीं सकता है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आए और सभी इसी धरती पर जन्म लिए और इसी धरती पर समाप्त हो गए। इस जगह ऐसा है, ये मृत लोक है, तभी तो इसको हम मृत लोक बोलते हैं, कर्म भोग बोलते हैं, यहाँ कर्मों का भोग है।
सब यहीं पर जो भी कराता है यहीं पर छोड़ जाता है और साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। आपने जो कहा कि ये मेरा बेटा है, अब क्या कभी ये नहीं कहा कि ये
ये परमात्मा के बच्चे हैं, सब अपनी अपनी अपने अपने नाम को लिखाते हैं और परमात्मा का नाम कहीं भी नहीं। ये नहीं कहा कि ये परमात्मा ने मकान बनवाया है, ये कहा नहीं गया है। हर जगह आपका नाम है, ये जो बेटा खेल रहा है ना, ये बेटा जो अक्सर लगा है ना, ये मेरा बेटा है। परमात्मा का नाम कहीं नहीं आपने लिया। कहने का मतलब एक साथ है, सब सद है, साधना करो एक परमात्मा के, साधना करोगे तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, आपके मोह जाल में नहीं फंसना पड़ेगा। जब अंतिम राज यात्रा होती है तो वहां पर आम का मांगे काम करता क्या है कि एक भाई जितना दिन एक बुढ़ापे में कितना काम किया, सभी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, कमाने योग्य कर दिया, और देखो रोज बच्चों को डालता था कि बेटा अच्छी रास्ता पकड़ लो, सबको अच्छी राह दिखाता था, लेकिन ये नहीं कहा कि बेटा कहीं गलत रास्ता पकड़ो। माता पिता का यही फर्ज बेटे का होता है कि बेटे को अच्छी राह लगाना, ये भी परमात्मा के बंदे। सब कुछ जो मिला है तो आपका क्या है, वहां तो सभी जब बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया, वहां अपना नाम कोई नहीं किया, क्योंकि ये साधना है। और आगे कल चल करके ये फलता फूलता रहे और परमात्मा सबको इस दुख की घड़ी में दुख की सहने की शक्ति दे। सभी से यही प्रार्थना है इन सब परिवार के, शर्मा परिवार के, ये आज जो ऐसी क्षति हुई है ये कभी पूरा नहीं हो सकता, पिता कभी मिल नहीं सकता है। जो चला गया पिता, आज पिता पहले नहीं पुकार सकते, पहले तो कहेंगे पिता चला जाता था तो कहते थे कि भाई छोटे भैया चला गए तो पिताजी आज आए नहीं, पता नहीं कहा चले गए, तो जान गए अभी आए नहीं, तो पिता को ढूंढते रहे। आज वही याद आता है ऐसी घड़ी में कि हमारे पिता हमारे लिए कितना ही कर्म किया, और कहते आज जो सुख मिलने की आज उनको सुख नहीं मिला। यदि माया जाल में फंसे रहे, एक दूसरे की परिस्थिति में लगे रहे, इसीलिए कहा कि सब में रहो, सब में रहो, लेकिन साधना योग करो, परिवार को चलाओ, सबको पर बंधुओं में रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन परमात्मा का नाम कभी मत छोड़ो। परमात्मा का नाम लो, उठते बैठते सोते समय कहो कि हे परमात्मा, वो घड़ी में बिता रहा हूँ, एक आग के सहारे जी रहा, बुला रहा है प्रभु जी।
धर्म पत्नी श्री कृष्ण देव जी उन्होंने भी बड़ा इस परिवार के अपना जो बंधन पाया हुआ है। अज सब वाला घाटा जो होया है वो श्री पत्नी कृष्णा देवी ने होया है। उन्होंने परिवार के उन्होंने लड़के राजकुमार जी बड़े लड़के से उनकी पत्नी सरकार देवी जेडे के कुछ साल पहला इस संसार छड़ चले गए। तो उस बाद उन्होंने जो लड़का सी अविनाश राजमा लड़का तो उस लड़की पायल तो उसनों छोटा लड़का शिवजीत कुमार उन्हें पत्नी लोभी शर्मा जिन्हें बेटा मानव शर्मा तो बेटी राधा शर्मा है और छोटे बेटे जिन्हों का नाम नरेश कुमार पत्नी पूजा रानी जिन्हों दो बेटे सुमेर तो नरेंद्र शर्मा जी हैं। यह सब छोटी बेटी बीना रानी मदन कुमार जी की बेटी बीना रानी तो उन्हें जमाई संदीप शर्मा जी जो कि अमरोह के टीचर हैं तो उन्होंने बेटे अविनाश के बेटी मुस्कान शर्मा यह परिवार है मदन कुमार शर्मा जी का। मैं बड़ा हैरान हाँ कि लुधियाने वर्गे शहर के रह के इन्होंने जो अपने बच्चों संस्कार दिए वो संस्कार कभी देखने नहीं मिले। मेरा संबंध इस परिवार में 2 साल से है। मेरा बेटा रुपेंद्र शर्मा इन्होंने बेटी राजकुमार की बेटी पायल शर्मा ब्याह रहे तो मैं ये देख के हैरान हाँ कि जिन्हिया ने परिवार से नुहाइया नहीं गई वो धीया बन के रह गई। जो धी आई है वो नूह बन के नहीं रह गई वो धी बन के रह गई। बड़ा मुश्किल अच्छा समाज के यह जो संस्कार देने इन्होंने बड़े वाले संस्कार देखे बच्चे पाले तो बच्चों ने भी मैं 2 साल तो देख रहा जो अपने पिता की सेवा की इन्होंने लड़किया भी की पोते भी की बहुत सेवा की जे थोड़े बीमार होंगे कितने वो झट देखे कि हस्पताल से जाइए फट दे के जाते इलाज करवाते बहुत इन्होंने जानी कि बच्चों ने सेवा की है। अजकल के जमाने ये बहुत घट टाइम है कि कोई बच्चा अपने गर्भ माओ की सेवा करता है। अजकल की होंगे बच्चा गर्द बच्चा बड़ा होया बह गया माँ बाप गिरद हो गए कितने छे गिरद राशन छे पर इन्होंने कोई ऐसी गल मैं महसूस नहीं होगी। तो बाकी मैं बड़ा रिनी उन्होंने कि उन्होंने जो परिवार है जरा परिवार को अहे घटना संस्कार देने गए जेडे कि हर एक बंदा इस गल याद करता है कि संस्कार संस्कार ही सीए। तो सब बड़ी गल तुम दसदा मैं एक कि जो उन्होंने संस्कार होया असी अस्थिया छोड़ वास्ते गए तो उन्होंने विचों आत्मा एक मूर्ति निकली जिहड़ी किस तरह लगती सी कि बिल्कुल कोई देवता चौंकड़ी मार के बैठा हो। यदि हजारों के विचों किसी एक कुर्सी में चलती है कि वो अंदर भगवान अंतरात्मा जिन्हें जीवात्मा वो विराजमान वो क्यों सी मैं गल की परिवार के नाम कि बड़े धार्मिक है कि कहने हाँ जी नहीं देखे शायद कि इन्होंने डेली ही मंदिर जाना ही जाना सी डेली मंदिर जाके भगवान को मत्था टेक के दर्शन करके ये लाके चाह पानी पीते सन। ये बहुत बड़ा उन्होंने योगदान सी भक्ति के विच ते हुण थोड़े टाइम तो जो थोड़े बीमार हुए साल की ज्यादा हुई तो मंदिर नहीं जा सके अपने बच्चों ने यही गल कहते सी कि मेरा मंदिर जाना छुट गया पर यह नहीं पता भगवान ने उन्होंने अपने चरणों में ही बुला लिया बड़े मंदिर च बुला लिया जिथे कि हर वे यही दर्शन करे जिथे शरीर दर्शन करते जिथे हर वे ही दर्शन करे। सो अज इत संगत इस शोर सभा आई हैगी है इस परिवार वालों उन्होंने सब का धन्यवाद किया जाता है। तो हम आप तो बाद सब ने चाह का प्रसाद जरूर लेके जाना है। बाकी गल बनी आई है कले आए नानका सब दे उठ जाए किसी का बस नहीं चलता जो चीज़ बनी है वो चीज़ जाएगी
ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय कलयुग 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 सुमिर सुमिर नर पावत अब सभी लोग आते ॐ जय जगदी हरि ओम जय जगदीश।
ऐसा है ना, वहाँ बहुत दूर जाना है, वहाँ तो रेस्टोरेंट की तरफ